2 सितंबर 2020 ये वही दिन था जब इंडियन मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी को एक जोरदार झटका लगा था, और ये झटका देने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी भारत सरकार ही थी। जी हाँ, ये वही दिन था जब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल गेम को ऑफिशियली बैन कर दिया गया था देश में। रीजन काफी सिंपल था लेकिन डिसीजन बोल्ड था, क्योंकि चाइना से चल रहे हमारे सीरियस डिस्प्यूट के कारण, जिसमें हमारे कई सैनिक भी शहीद हो गए थे, उसके बाद सरकार ने कोशिश किया चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडियन मार्केट में कम करने की। टेंसेंट गेम्स, जिसने पबजी मोबाइल को एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइसेस के लिए पब्लिश किया था, वो एक चाइनीज कंपनी थी के कारण उसके प्रोडक्ट को बैन का शिकार होना पड़ा। लेकिन पबजी मोबाइल के बैन के ठीक 2 दिन बाद ही एक अनाउंसमेंट निकलकर सामने आई, जिसमें फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार ने अनवील किया फौजी फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, एक मेड इन इंडिया एक्शन गेम जिसमें मेन लीड इंडियन सोल्जर्स को पोर्ट्रेट किया जाएगा। अनाउंसमेंट की डेट और नाम की सिमिलैरिटीज को देखते हुए हर किसी को यही लगा कि ये गेम पबजी का एक इंडियन अल्टरनेटिव होगा या फिर उससे कुछ मिलता जुलता। पहले तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले गेम को, पर फाइनली जब 26 जनवरी को गेम रिलीज हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स डिसअपॉइंट हुए गेमप्ले को देखकर, जो एक सिंगल प्लेयर था, और जो बंदे बैटल रॉयल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ ज्यादा ही सदमे में चले गए थे। ऐसे ही कुछ कारण है जिसकी वजह से गेम को आज एक फेलियर का टैग दिया जाता है, और मैं उन्हीं कारणों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। किसी भी सिंगल प्लेयर गेम की जान होती है उसकी स्टोरी लाइन, कैंपेन की क्वालिटी एक लो बजट गेम को भी आसमान में पहुंचा सकती है और एक ट्रिपल ए गेम को भी फ्लॉप कर सकती है। इसलिए डेवलपर्स को एक इमर्सिव और वेल रिटन स्टोरी लाइन को भी डेवलपमेंट के टाइम प्रायोरिटी देनी चाहिए। एनकोर गेम्स फौजी के डेवलपर्स ने स्टोरी मोड तो ऐड कर दिया, पर उसमें कुछ खास डेप्थ नहीं दे पाए। हमारे पास बस एक लेवल है कलवान वैले की क्लैशेस के ऊपर, जिसमें हम लेफ्टिनेंट सिंह के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है इंडियन सोल्जर्स को बचाना जिन्हें चाइनीज आर्मी ने कैप्चर करके रखा है। काफी सारे कटसीन्स और डायलॉग्स हैं गेम में और चेकपॉइंट्स भी। शुरुआत में तो ये सब काफी मोटिवेशनल लगता है, पर एक समय पर आके ये काफी बोरिंग हो जाता है। इसमें हमें कुछ खास चॉइसेस नहीं मिलती है और प्लेयर्स को बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से चेकपॉइंट्स को क्रॉस करके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है। पूरे कैंपेन को बस आधा घंटे में ही खत्म किया जा सकता है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका गेम एक्शन जॉनरा में आता है तो कॉम्बैट सिस्टम तो यूनिक या एटलीस्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसमें एनिमेशंस, मूवमेंट्स एंड हिट सिस्टम का एक बड़ा रोल होता है गेम के कॉम्बैट सिस्टम की क्वालिटी डिफाइन करने का। फौजी का कॉम्बैट सिस्टम काफी इनकम्प्लीट सा है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि ट्रेलर में जहां काफी सारी गन्स दिखाई गई थी, रिलीज के बाद बस पंच और किक या फिर डिफेंड करने का ही ऑप्शन मिलता है। वेपन्स के नाम पर बस ओकेजनली मिली वेपन्स मिलते हैं जो पिक करके यूज कर सकते हैं या फिर उनको गेम के स्टोर से खरीद सकते हैं। सिमिलर टू द स्टोरी लाइन, इतने लिमिटेड फंक्शंस हमें एक पॉइंट के बाद बोर कर देते हैं। पबजी के ट्रेंड ने ज्यादातर प्लेयर्स को कॉम्पिटेटिव गेम्स की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था, जहां हम अपने दोस्तों के साथ या फिर रैंडम प्लेयर के साथ रियल टाइम मैच खेल सकते थे। फौजी को तो वैसे स्टोरी मोड के साथ लॉन्च कर दिया और क्लेम किया कि मल्टीप्लेयर मोड भी जल्दी रिलीज करेंगे, पर उसमें भी काफी ज्यादा समय लग गया और जब वो आया तो उससे भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। गेमप्ले में काफी बग्स थे, खासकर वेपन हैंडलिंग के मामले में। एनिमेशन भी कुछ खास नहीं थे, जिसके कारण मूवमेंट्स किसी लो बजट गेम की तरह लग रहे थे। और जून 2021 से लेकर अभी तक ये गेम अर्ली एक्सेस में ही चल रहा है, जिसके एडिशनल डाउनलोड्स पे अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। यू तो नेशनलिज्म के कारण इस गेम ने काफी ज्यादा हाइप और डाउनलोड्स कलेक्ट कर लिए थे, पर ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद इसके डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए ये ज्यादा समय तक ट्रेंड पे नहीं रह पाया। और दूसरी तरफ देखें तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे सिमिलर गेम्स ने सक्सेसफुली अपना खुद का एक बड़ा प्लेयर बेस बनाया जो अभी भी एक्टिव है। अगर नोटिस किया जाए तो इंडियन सिनेरियो में इन दोनों गेम्स को सिमिलर हाइप मिली थी। एक तरफ COD PC के फेमस फ्रेंचाइज से कनेक्टेड थी, तो दूसरा फौजी हमारी इंडियन आर्मी से, जो काफी थी इंडियंस के अंदर इस गेम के लिए एक्साइटमेंट जगाने के लिए। पर फाइनल गेम्स में काफी फर्क है क्वालिटी को लेकर, जिसमें COD काफी बड़े मार्जिन से आगे है। बिजनेस में कोट बहुत फेमस है कि नथिंग किल्स अ बैड प्रोडक्ट फास्टर देन गुड एडवर्टाइजिंग, एंड ये फौजी के केस पे भी अप्लाई होता है। जब से गेम अनाउंस हुआ था तो इसके एडवर्टाइजिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पहली बात तो इसे अनाउंस ही अक्षय कुमार ने किया, देन इसे पेट्रियोटिज्म से भी लिंक किया गया, जिसमें इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को कहीं ना कहीं गेम को प्रमोट करने के लिए यूज किया गया। और नेम तो सिमिलर था ही फौजी का पबजी से, जो कि भले ही डेवलपर स्टार्टिंग से कह रहे थे कि पबजी जैसा गेम नहीं आई है, पर फिर भी नेम की इंस्पिरेशन तो वहीं से ली गई थी, एंड ये सबको समझ आता है। और मैं इस बात को गलत भी नहीं कह सकता है कि फौजी गेम को मुफ्त की मार्केटिंग मिली, जो कि किसी भी नए गेम या फिर प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। पर अगर वो गेम अपनी मार्केटिंग पे खड़ा नहीं उतर पाए तो फिर वो बैकफायर करती है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया वो इस उम्मीद में किया कि ये गेम इंडियन सोल्जर्स पे है, पबजी जैसा होगा। तो जब एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई होंगी तो उम्मीद पे तो पानी फिरना ही था। अगर एक गेम का नाम अलग होता एंड इसको अलग तरह से एडवर्टाइज किया जाता, देन शायद इतना बड़ा फेलियर नहीं होता, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचता ही नहीं।
यूं तो फौजी ने बड़ा मार्केट टारगेट किया था पर एग्जीक्यूशन सही नहीं किया। ग्राफिक्स तो ठीक थे पर गेम प्ले में काफी कमी रह गई। डेवलपर्स अगर चाहते तो और डिलेस कर सकते थे ताकि गेम को बेटर फिनिशिंग फीचर्स और इनफ एक्सेसिबिलिटी मोड्स दे सके, पर शायद डेडलाइन के कारण अर्ली रिलीज करना पड़ा जो शायद इतने मेजर सेटबैक का रीजन बना। हाँ, ये भी सही है कि गेम नया है तो इश्यूज तो होंगे ही, ओवरनाइट सक्सेस तो किसी को नहीं मिलती, पर फिर भी डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शुरुआत छोटी करें बट बढ़िया करें या लोगों के अंदर भरोसा दिलाए कि गेम के अंदर पोटेंशियल है। अपडेट्स के साथ काफी इंप्रूवमेंट्स आए तो हैं और कुछ एडिशंस भी हुए हैं जैसे कस्टम लॉबी बनाने का ऑप्शन, बट अब शायद काफी देर हो चुकी है इस टाइटल को रिवाइव करने के लिए। May 31 को गेम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनवील किया था एक नया मैप ड्यूगोंग रॉक आइलैंड, जिसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर देखते कि इस मैप से क्या एनकोर गेम्स फिर से रेपुटेशन गेम कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि पास में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं लाइक नो मैन्स स्काई। उसके डेवलपर्स ने बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी थी अपने ट्रेलर से पर गेम वैसा नहीं निकला। स्टिल आज 5-6 साल बाद वो गेम बहुत बेटर हो गया है एंड काफी पसंद भी करते हैं लोगों से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ साथ जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि गेम्स गॉसिप पर आपको मिलता रहेगा इसी हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट।